हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास स्टैंडर्ड सीनियर केजी सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में आपको आज क्या करना है? क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन दिया है और पिक्चर दिया है और आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है ना? तो यहाँ देखो, इज दिस मतलब आपको सिंगुलर में क्वेश्चन है और आंसर भी सिंगुलर में देना है। इज दिस, दिस मतलब आ इतले आपड़ी पासे जे नजीक होय एने दिस इज ए चेयर, दिस इज ए बॉल ऐसा बोल सकते हैं। और अपने से दूर है उसको दैट, टी हैच ए टी, दैट दैट इज ए बॉल, दैट इज अ चेयर ऐसे बोल सकते हैं, है ना? तो यहाँ आपको पिक्चर दिया है। देखो ये पिक्चर कौन सा है, सबसे पहले आपको पिक्चर देखना है। कौन सा है बेटा? ऑक्स है ना? यस। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, आई एस इज, टी एच आई एस दिस, ए एन एन, ओ एक्स ऑक्स, इज दिस एन ऑक्स क्वेश्चन मार्क, है ना? इज दिस एन ऑक्स, શું આ ઓક્સ એટલે બળદ કહેવાય, ખેતીના કામમાં આવે ને બળદ ગાડી, અત્યારે શાકભાજી ફ્રૂટ્સ બધા બળદ ગાડીમાં વેચવા નીકળે છે ને ઘર આગળ, હા? તો આની સાથે ગાડું બાંધેલું હોય એટલે બળદ ગાડું થઈ જાય। તો શું આ બળદ છે એમ પૂછ્યું તમને, ઇઝ ધીઝ એન ઓક્સ? તો પિક્ચર દેખો, ઓક્સ કા હૈ? તો યસ, વાય ઈ એસ, યસ, યસ એટલે હા, યસ એટલે હા। दिस ऊपर से क्वेश्चन में से देख के ही लिखना है, टी एच आई एस दिस, यस पहले वाई ई एस, यस हाँ है तो यस, नहीं है तो एन ओ नो। ओके बेटा, तो आपको यहाँ देखो पिक्चर ऑक्स का है, हाँ तो वाई ई एस यस, टी एच आई एस दिस, आई एस इज, एन ऑक्स, एन क्यों है? ओ ए वॉवेल से इसीलिए उसके आगे एन लिखा है, आपको पहले आगे सिखाया ना, अपने अल्फाबेट में 26 लेटर्स है, इसमें 5 वॉवेल्स है और 21 कॉन्सोनेंट्स है। वॉवेल्स एले स्वर अने कॉन्सोनेंट्स एले व्यंजन। जो वॉवेल्स 5 है तो कौन से है? ए ई आई ओ यू। जो वॉवेल से स्टार्ट किया वर्ड्स है तो उसके आगे आपको ए एन लिखना है। ओनली फॉर 5 याद रखना है, बाकी 21 तो कॉन्सोनेंट्स है, उसके आगे आपको ए लिखना है। ओके, जब भी ए आएगा तभी मैं आपको समझाऊंगी कि एन क्यों है और ए क्यों है। तो यस दिस इज एन ऑक्स। अभी ये पिक्चर कौन सा है दूसरा बेटा, पहचानो बेटा आप, चेयर, तो सी एच ए आई आर, चेयर एटले कुर्सी, है ना? तो अभी यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, इज आई एस इज, टी एच आई एस दिस, ए इज दिस ए चेयर, सी एच ए आई आर, चेयर का स्पेलिंग है, ये पिक्चर है उसका वर्ड्स है, इज दिस ए चेयर, तो ये चेयर है बेटा, देखो तो, है ना? हाँ, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, तो हाँ में आपको जवाब देना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, वाई ई एस, यस, फिर आएगा कॉमा, यस के आगे यस और नो लिखने के बाद कॉमा आता है, ये कॉमा बोलते हैं, यस, फिर यहाँ दिस है तो दिस लिखना है, दैट है तो दैट लिखना है, तो यहाँ दिस लिखा है, यस This is a chair. C H A I R. Full stop. Is yes is yes. This is a chair. Question में पूछता है, पूछते हैं तो is आगे आता है. Okay. Is this a chair? यस दिस इज ए चेयर, फुल स्टॉप। क्यों फुल स्टॉप? अपना आंसर कंप्लीट हुआ इसीलिए। अभी ये पिक्चर कौन सा है बेटा? बेड, बी ई डी, बेड। यहाँ क्वेश्चन है, इज दिस ए बेड,
तो ये बेड है, देखो तो बेटा पिक्चर। हाँ तो आपको क्या लिखना है, यस, वाई ई एस, यस का स्पेलिंग आता है वाई ई एस, यस, फिर कॉमा, क्वेश्चन में से ही दिख के ही लिखना है दिस, टी एच आई एस, दिस। आंसर कैसे लिखे जाते वही मैं आपको सिखा रही हूँ, दिस, फिर इस, क्वेश्चन में इस पहले आता है, आंसर में इस दिस के बाद में आता है, ए, आर्टिकल ए है तो ए लिखो, क्यों ए, कि बी वो कॉन्सोनेंट्स है इसलिए उसके आगे ए आता है, फुल स्टॉप। यस दिस इज ए बेड, है ना, बेड है ना, ओके। अभी ये कौन सा पिक्चर है बेटा, ऑरेंज, वेरी गुड, है ना, हाँ। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है इस दिस एन ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज का स्पेलिंग बनता है, वर्ड्स बनता है ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, इज दिस एन ऑरेंज, ये ऑरेंज है, हाँ। तो क्या लिखोगे, यस, वाई ई एस, यस, कॉमा दिस, यहाँ लिखा है ना वैसे ही देख के लिखना है, दिस, बाद में इस, ए, सॉरी, यस दिस इस, ए नहीं आता है, क्या आता है, एन आता है, क्यों एन, ओ ए वॉवेल्स है, मैं वही समझा रही हूँ आपको, है ना, यस दिस इस एन ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, फुल स्टॉप। अभी मैं सब क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ के सिखा रही हूँ, देखो यहाँ ध्यान, ए एन एस डब्ल्यू ई आर, आंसर, टी एच ई द, एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी फॉलोइंग, क्यू यू एस टी आई ओ एन एस, क्वेश्चंस, इज दिस एन ऑक्स, यस दिस इज एन ऑक्स, इज दिस ए चेयर, यस दिस इज ए चेयर, Is this a bed? Yes, this is a bed. Is this an orange? Yes, this is an orange. तो बेटा आपको ये क्वेश्चन आंसर पिक्चर पेस्ट करो या ड्रॉ करो और लिखना है. ओके बेटा, बाय, सी यू.